आदित्य द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर को एक शिकायती आवेदन पत्र दिया गया कि बड़गांव में जो प्राइवेट स्कूल उनका है जिसका वो मालिक हैं गोगांव ब्लॉक में, उसको कोरोना काल से लेकर अभी तक कर्मचारियों के जो वेतन भुगतान में अनियमितता करने के एवज में श्रम आयुक्त श्रमाधिकारी जिला खरगोन के नोटिस दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि काफ़ी अंतर है जो वेतन भुगतान किया गया, जबकि उनका कहना था कि कोरोना काल था तो हमारा स्कूल ही नहीं चला, ऑनलाइन चला। तो इनके द्वारा उसका निराकरण करने के लिए 1.5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे और बात करते करते फिर 80,000 तय हुआ। आज लोकायुक्त टीम इंदौर द्वारा कार्रवाई की गई, जिसके दौरान 80,000 रुपये लेते हुए इनके ऑफिस में इनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। किनको पकड़ा सर? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करके इनके खिलाफ चालानी कार्रवाई कोर्ट में की जाएगी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।